नमस्कार, ऑल राइट चैनल से मैं अमरीन झा। विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत महिला और पुरुष को सिलाई मशीन के लिए इंटरव्यू में बुलाया गया। इंडस्ट्रियल ज्वाइंट कमिश्नर निशी रंजन गोयल ने प्रदेश सरकार विगत 3 वर्षों से ये योजना विश्वकर्मा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत जो भी पारंपरिक कारीगर है, दर्जी, बढ़ई, सुनार, लोहार, कुमार, हलवाई और टोपी बुनकर, इस तरह से 10 अलग अलग ट्रेडों के जो कारीगर है उनको पहचान दिलाने के लिए और उत्पादकों पर विपणन की सुविधा दिलाने के लिए और उनको लोन दिलाने के लिए ये योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष की आयु के ऊपर जो भी कारीगर हैं ऑनलाइन पोर्टल पर वे आवेदन कर सकते हैं और आज ये चयन की कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश सरकार ने 20,000 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया है पहले फेस में और अब 24 अक्टूबर को 55,000 लोगों को प्रशिक्षण देने का देते फेस स्टार्ट हुआ है और उसी के अंतर्गत जनपद बरेली में कुल 1,250 लोगों को अलग अलग ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाना है। वहीं दूसरी तरफ बहेड़ी से आए एक सज्जन का कहना है, आंगनवाड़ी के द्वारा जो दलिया बटता था वो आंगनवाड़ी खुद उठाकर ले जाती थी, अब वही काम समूह को दे दिया गया है और ये भी कहा गया कि समूह वालों को किराया मिलेगा। पिछले 14 महीने से आज तक कोई किराया नहीं मिला। समूह की सभी महिलाएं अपने पास से किराया खर्च करती हैं और ब्लॉक से उठाकर आंगनवाड़ी केंद्र को ये इन महिलाओं के द्वारा दे दिया जाता है और ये भी कहा गया 1,10,000 समूह के खाते में पड़ने वाला है, वो भी आज तक नहीं पड़ा। आप देखना यह है कि क्या ये योजना आगे कार्य कर पाएगी। बरेली से सीनियर संवाददाता नीरज सिंह के साथ संगीता सिंह की खास रिपोर्ट। आपका क्या नाम है और इस संस्था में या जो बाहर लोग खड़े हुए हैं महिला और पुरुष किस लिए खड़े हुए हैं? देखिए, मैं ऋषि रंजन गोयल हूँ, यहाँ ज्वाइंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज के पद पर कार्यरत हूँ। प्रदेश सरकार विगत 3 वर्षों से एक विश्वकर्मा सम्मान योजना चला रही है और इस योजना के अंतर्गत जो हमारे पारंपरिक कारीगर हैं, जैसे दर्जी है, बढ़ई है, सुनार है, लोहार है, कुम्हार है, हलवाई है, टोकरी बुनकर है, इस तरह से 10 अलग अलग ट्रेडों के जो पारंपरिक कारीगर हैं उनको पहचान दिलाने के लिए, उन पे उत्पादों को विपणन की सुविधा दिलाने के लिए, उनको लोन दिलाने के लिए ये योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु के जो भी पारंपरिक कारीगर हैं वो पात्र हैं, ऑनलाइन पोर्टल पर वो आवेदन कर सकते हैं और ये आज चयन की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश सरकार ने 20,000 लोगों को पहले प्रशिक्षण प्रदान किया है फर्स्ट फेज में और अभी 24 अक्टूबर को 55,000 लोगों को नया ये प्रशिक्षण देने का द्वितीय फेज स्टार्ट हुआ है और उसी के अंतर्गत जनपद बरेली में कुल 1,250 लोगों को अलग अलग ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाना है और उन्हीं लोगों के चयन की ये कार्यवाही आप देख रहे हैं कि यहाँ चल रही है। आज लगभग 400 लोगों को यहाँ चयन के लिए आमंत्रित किया गया है, उनके साक्षात्कार जो तय समिति है उसके माध्यम से कराया जा रहा है और ये साक्षात्कार हमारा होने के उपरांत 1,250 लोगों का चयन हो जाएगा। उनका ऑनलाइन पोर्टल पर डाटा अपलोड कर दिया जाएगा और उद्यमिता विकास संस्थान के माध्यम से इन 1,250 लोगों का प्रशिक्षण यहाँ माह नवंबर में स्टार्ट किया जाएगा। प्रशिक्षण 6 दिन का होगा जिसमें ₹200 प्रतिदिन के हिसाब से सभी प्रशिक्षार्थियों को स्टाइपेंड दिया जाएगा और प्रशिक्षण समाप्त होने के उपरांत उनको एक प्रमाण पत्र तथा संबंधित ट्रेड की टूल किट भी प्रदान की जाएगी। इसमें किसी कोटे को लेकर के भी कोई छूट वगैरह है? नहीं, किसी कोटे को नहीं है, ये हमारे सभी पारंपरिक कारीगर हैं, जैसा हमने बताया हलवाई, दर्जी, सुनार, कुम्हार, बुनकर और राजमिस्त्री, इस तरह से 10 अलग अलग ट्रेडों के लोग हैं। कोई इसमें कोटा या रिजर्वेशन की बात नहीं है, ऑलरेडी वो पारंपरिक ट्रेड में काम करने वाले हमारे कारीगर हैं, विश्वकर्मा बंधु हैं जिनको यहाँ पे प्रशिक्षण और टूल किट दी जाएगी। सुधीर दीक्षित। किस योजना के तहत आप यहाँ पे आए हैं? विश्वकर्मा योजना। क्या योजना है ये? ये योजना है सिलाई के ऊपर, मतलब सरकार सिलाई की मशीनें दे रही है, ठीक है, तो वो योजना है यहाँ पे विश्वकर्मा योजना। क्या प्रक्रिया है यहाँ पे योजना में शामिल होने की? फॉर्म आपने कैसे भरा था इसमें? ऑनलाइन भरा था। उसके बाद में अब यहाँ किस लिए खड़े हुए हैं? अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मतलब यहाँ पे शाइन होगा, वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह होगा, अंदर इंटरव्यू ले रहे हैं और फिर उसके बाद बता रहे हैं कि ट्रेनिंग वगैरह होगी और फिर ट्रेनिंग 15 दिन की होगी, ऐसे कुछ बता रहे हैं।
मतलब आपका है कि पहले साक्षात्कार होगा, उसके बाद में जो साक्षात्कार में निकलते हैं उनको सेलेक्ट करके उन्हें मशीनें दी जाएंगी? हाँ, मशीनें दी जाएंगी और बता रहे हैं कि अकाउंट में रुपए वगैरह भी आएंगे, ऐसा कुछ बता रहे हैं। ठीक है, वो कितनी अमाउंट है वो? वो तकरीबन 3,000 रुपये। 3,000 रुपये महीने के हिसाब से या साल के हिसाब से, कैसे है वो बता? तो महीने के हिसाब से रहे हैं, जो सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और मशीन मिलेगी जो सिलाई वगैरह है, जो मतलब सिलाई कर लेते हैं, सिलाई जानते हैं, उनको मतलब मशीनें मिलेंगी। और इंटरव्यू इसीलिए ले रहे हैं, वरना इतने लोग आए हैं सबको तो मतलब फिलहाल मुश्किल ही है, जो सिलाई जानते होंगे उनको मिलेंगी। प्रशिक्षण कितने दिन का है? अब इसके बारे में तो कोई जानकारी है नहीं हमारे पास, तकरीबन फिलहाल अभी हफ्ते भर तो मान ही लो। प्रशिक्षण किसी स्थान को लेकर के या आपके स्थान पे दिया जाएगा? प्रशिक्षण कहाँ दिया जाएगा, इसकी कुछ जानकारी है? नो मैम, इसकी तो कोई जानकारी नहीं है मेरे पास। चलिए, शुक्रिया। किस योजना के तहत आप यहाँ पे आई हैं? सिलाई के। कहाँ से आई हैं? हार्टमैन स्कूल। सिलाई में क्या क्या योजना है, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएंगे? सिलाई की यहाँ पर सिखाया जाएगा हम लोग को, और जो महिलाएँ शिक्षित हैं और उनके लिए 10th, और जो शिक्षित नहीं है उनके लिए भी सिखाया जाएगा। इसमें आवेदन आपने किस तरीके से करा था? इसमें पहले फॉर्म भरा था हमने, फिर ऑनलाइन, फिर यहाँ पर साइन होंगे, फिर इंटरव्यू होगा। कहाँ से आए आप? यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हुए हैं आज, किस चीज़ की योजना है, किस योजना के तहत क्या चीज़ यहाँ पे ऐसी हो रही जो इतने लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं? न्याय पंचायत एडीओ पंचायत जो होते हैं, समूह के एडीओ पंचायत ने ये कहा था कि जितने भी समूह बने हुए हैं उनके लिए सरकार ने एक योजना निकाली है, कि उस योजना में क्या क्या कार्य बताए हैं, सिलाई, कढ़ाई, मोची, हलवाई, कुम्हार, लोहार, जो भी व्यक्ति जो कार्य करना जानते हों वो अपना आधार कार्ड, पर्सनल बैंक लेके, बैंक की किताब लेके ऑनलाइन करा दें। उनकी ट्रेनिंग ब्लॉक स्तर पे होगी, उस ट्रेनिंग में 200 रुपये दिए जाएंगे। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में जो जिसने जिस चीज़ के लिए ऑनलाइन करिए उनके लिए किट दी जाएगी। और बाकी जो आंगनवाड़ी द्वारा पहले दलिया बंटता था तो आंगनवाड़ी खुद उठा के ले जाती थी, अब वो समूह के खाते, समूह के लिए काम दे दिया गया है। कई समूह वालों के लिए किराया मिलेगा, आज तक किराया नहीं मिला, 14 महीना हो गए। समूह की औरतें अपने पास से किराया खर्च करके ब्लाक से उठा करके और आंगनवाड़ी केंद्र को सौंप देती हैं, उन्हें आज भी एक पैसा नहीं मिला है। उसके बाद में ये कह दी कि 1,10,000 रुपये समूह के खाते में पड़ने वाला है, औरतें रोजगार करें, वो भी पैसा आज तक नहीं मिला है।